खबर बाराबंकी जनपद से है, जहां बाराबंकी में पांचवें चरण में चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व पूरा दमखम लगाए हुए है। इसी कड़ी में बाराबंकी के विधानसभा कुर्सी से भाजपा प्रत्याशी साकेंद्र वर्मा के पक्ष में वोट मांगने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। कुर्सी विधानसभा अंतर्गत फतेहपुर के नेशनल कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, उत्तर प्रदेश के युवा माताएं, बहनें और बुजुर्ग आज भाजपा सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रदेश की सेवा, सुरक्षा और इसके विकास को आगे बढ़ाने के लिए यहां पुनः भाजपा की सरकार बनाने में अपना योगदान करें। बाराबंकी जनपद से राघवेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। ये चुनाव में हम साकेन्द्र जी को विजय बनाने के लिए आप सब लोग लगे हैं, हम सब लोग लगे हैं, लेकिन हमको कुछ बातें ध्यान में रखना चाहिए। साकेन्द्र जी को विधायक बनाना यही हमारा उद्देश्य नहीं है, ये हमारा माध्यम है। इनके माध्यम से मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं, देश सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ना है और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को एक लंबी छलांग लगाते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ना है, ये हमारा संकल्प है। और उसमें कुर्सी विधानसभा भी पीछे न रह जाए, इसकी हमको चिंता है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि वह साधारण परिवार से आए हुए लोग एक भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, साधारण परिवार से आए हुए कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और साधारण परिवार से आए हुए साकेन्द्र वर्मा जी भी आपकी सेवा के लिए तत्पर होकर के आ रहे हैं। बाकी सभी पार्टियां परिवार की पार्टियां हो, प्रजातंत्र की नाम की चीज रह नहीं गई, कोई प्रजातंत्र के दृष्टि से काम नहीं होता। अब समाजवादी पार्टी के लोग बोलते हैं